नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज बातचीत करेंगे कि क्या त्रिपुरा में शपथ से पहले कोई बड़ा खेला होगा, क्या मेघालय में बड़ा खेला होगा और क्या वाकई में जो है जो कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। और ये इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि दर्शकों, हमारा अपने देखा कि किस तरीके से मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के चुनाव को लेकर क्या कुछ जो है सामने आए। चलिए आपको बता देते हैं कि शपथ से पहले क्या बड़ी खबरें आ रही हैं, वो जरा सा आपको समझा देते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दरअसल नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन के साथ जबरदस्त जो है जीत तो कर रही है, लेकिन मेघालय में मुश्किलें बढ़ गई हैं। और मेघालय में कैसे, क्योंकि मेघालय में संगमा सरकार की राह मुश्किल हो गई है। HSPDP के दो विधायकों ने दिया समर्थन, पार्टी ने लिया वापस। पूरी खबर सुन लीजिए। मेघालय की राजनीति में दिलचस्प सियासी मोड़ आ गया है, जिसके बाद कोनराड संगमा की सरकार माफ कीजिए बनाने की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP को समर्थन देने वाली स्थानीय पार्टी के दो विधायकों ने सरकार बनाने की का समर्थन दिया था, लेकिन कुछ ही देर में पार्टी ने समर्थन से इनकार कर दिया। शुक्रवार यानी 3 मार्च को कोनराड संगमा राज्य के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। NPP नेता ने राज्य के 32 विधायकों को के समर्थन का हस्ताक्षरित पत्र राज्यपाल को सौंपा था। राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। दिन में समर्थन शाम को ही वापस ले लिया उन्होंने। जी हाँ, संगमा ने जिन 32 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था उसमें NPP के 26 विधायक, बीजेपी के 2, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर थे। पत्र सौंपने के बाद जो है ये तमाम चीजें होती नजर आई। अब सवाल ये है कि क्या शपथ से पहले बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ गई है, शपथ से पहले क्या बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ गई, आने वाले वक्त में पता चलेगा। मोहम्मद आसिफ, रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।